भारतीय जनता पार्टी जिला एवं महानगर की संयुक्त मीडिया कार्यशाला का आयोजन बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुआ। मीडिया कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। मीडिया कार्यशाला में जिला एवं महानगर के सभी मंडलों के भाजपा मंडल मीडिया प्रभारी व सभी मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी तथा मीडिया विभाग के जिला संयोजक एवं सह संयोजक मौजूद रहे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित होने वाली भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा बहुत ही वृहद हो चुका है। यही कारण है कि संगठन जिला मीडिया प्रभारी के साथ अब मंडलों में भी मीडिया प्रभारी की नियुक्ति की है, जिसमें संगठन एवं सरकार के कार्यों को समाचार पत्रों, टेलीविजनों एवं अन्य समाचार पोर्टलों के माध्यम से खबरें जन जन तक पहुंचाई जा सके। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि मीडिया प्रभारी संगठन और सरकार के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। मीडिया प्रभारी का दायित्व बेहद ही जिम्मेदारी वाला पद है। ऐसे में सरकार एवं संगठन की कार्य योजनाओं को समाचार के माध्यम से पहुंचाना होता है। उन्होंने कहा कि संगठन के कार्यक्रमों तथा सरकार की लाभकारी योजनाओं से संबंधित तथ्यों और कार्यक्रमों को नियमित समाचार पत्रों में, टेलीविजनों में प्रकाशित करने का काम करें। मीडिया पत्रकार बंधुओं से निरंतर संपर्क संवाद बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यशाला का संचालन भाजपा जिला मीडिया प्रभारी के एम मजवार और महानगर मीडिया प्रभारी चंदन आर्य ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अविनाश कुमार प्रजापति, जिला सह मीडिया प्रभारी राजकुमार यादव व सुरेंद्र शाहनी, ज्ञानेंद्र मिश्रा, मनसा तिवारी, अजय भारती, मुराद आलम, राहुल शाहनी, अनिल शर्मा, इंजीनियर ब्रजमोहन, सिद्धि गुप्ता, नितिन जायसवाल, अनुराग गुप्ता, सर्वेश सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता माननीय राकेश त्रिपाठी जी का हम सभी गोरखपुर जिले की माननीय मुख्यमंत्री जी का आदर स्वागत। अभिनंदन वंदन है आप सभी के तरफ से। इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय श्री राकेश त्रिपाठी जी का सम्माननीय कार्यशाला में जितना अधिक समय आदरणीय मुख्य अतिथि जी का हम सबको प्राप्त होगा, ये हम लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो मैं आगे सीधे उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूँ, लखनऊ हाई कोर्ट में वकालत करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंडिंग काउंसिल हूँ 2014 से। इससे पूर्व में विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ, अलग अलग दायित्व रहे हैं। मेरी पढ़ाई LLB ऑनर्स और मास्टर इन मास कम्युनिकेशन माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता यूनिवर्सिटी से हुई है। मेरी अपेक्षा है कि आप सब अपना नाम, अपना पूर्व का दायित्व और अगर कोई दायित्व पूर्व में नहीं रहा है तो अपनी एजुकेशन साथ साथ में जरूर बताते चले। मैं एक एक करके नाम पूछूंगा, आप साथ साथ में जोड़ते चले। सबसे पहले गोरखपुर जिला, इससे पहले क्या दायित्व रहा है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार
उत्तर प्रदेश में 1918 मंडलों में मंडल मीडिया प्रभारियों की नियुक्ति की है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा का विस्तार इतना बड़ा हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उपलब्धियां इतनी सारी हैं कि वो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुँच सकें, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्य का विकेंद्रीकरण करते हुए अब हर मंडल में मंडल मीडिया प्रभारी का गठन किया है और इस समय हर जिले में जनपद स्तर पर मंडल की मीडिया की कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है और आज गोरखपुर जिले और गोरखपुर महानगर की मंडल मीडिया की कार्यशालाओं का आयोजन आज यहाँ बेनीगंज कार्यालय पर हो रहा है, जिसमें मोर्चों के जिला मीडिया प्रभारी और पार्टी के मंडल मीडिया प्रभारी इन सब का प्रशिक्षण हो रहा है। देखिए, विपक्ष को इस बात की पीड़ा है कि आज उनके द्वारा पुष्पित पल्लवित किए गए, पाले पोसे गए जो तमाम अपराधी थे, जिन अपराधियों पर आज बहुत प्रभावी और ठोस कार्रवाई उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने की है, उसकी वजह से उनको पीड़ा है। उनकी वेदना आज लखीमपुर की घटना या गोरखपुर की घटना पर नहीं है। अगर वेदना होती तो आज जिस तरह से पॉलिटिकल स्टंट दिखाने का काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के रिसीव करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर फूल माला लेकर के पहुंचे हैं और मुस्कुरा करके हाथ हिलाते हुए जिस तरह से वो रोड शो निकालने का काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल इवेंट बनाने का काम कर रहे हैं, ये उनकी वेदना नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इस वेदना और उसको बहुत संवेदना के साथ स्वयं समझा है, स्वयं पीड़ित परिजनों के साथ बात की है और पीड़ित परिजन उत्तर प्रदेश सरकार की कार्रवाइयों से संतुष्ट भी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी घटनाओं पर घृणित राजनीति करने का काम करेगा, उत्तर प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने का काम करेगा, तो प्रशासन निश्चित तौर पर उनको रोकने का काम करेगा। अगर कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक ढंग से सहानुभूति जताना चाहता है तो उसको बिल्कुल अनुमति है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको अनुमति भी दी है, लेकिन कोई अगर रोड शो निकाल करके, पॉलिटिकल इवेंट बना करके अगर उत्तर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास करेगा, अराजकता उत्पन्न करने की कोशिश करेगा, तो प्रशासन निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगा।